नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मंदिर में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर करेंगे आजादी के दिन आत्मदाह। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन लोग जहां देश की आजादी के जश्न में डूबेंगे, नाचेंगे, झूमेंगे, वहीं आजादी का जश्न का माहौल समाप्त भी नहीं होगा। भागलपुर नाथनगर के बाबा मनस कामना नाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के ही दिन के 11 बजे बाबा मनस कामना नाथ मंदिर में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर नागरिक संघ के सचिव प्रमोद कुमार सिन्हा आत्मदाह करेंगे। ये बातें नागरिक संघ के सचिव प्रमोद कुमार सिन्हा ने मीडिया को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया। उन्होंने मीडिया को बताया कि नाथनगर के बाबा मनस कामना नाथ मंदिर की पुरानी कमेटी पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसके लिए विगत कई वर्षों से लगातार सीओ, एसडीएम, डीएम, कमिश्नर से लेकर मुख्यमंत्री तक भ्रष्टाचार में लिप्त दोषियों की कार्रवाई की मांग एवं मंदिर की पुरानी कमेटी को भंग को लेकर न्याय की गुहार लगा चुके हैं, जबकि बिहार राज्य धार्मिक न्यास पार्षद बोर्ड के समक्ष भी कार्रवाई की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक मंदिर के भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि न्यायालय के आदेश के बावजूद प्रशासन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है, वहीं न्यायालय की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसी से तंग और परेशान होकर 11 अगस्त को बिहार राज्य धार्मिक न्यास पार्षद बोर्ड के समक्ष धरना पर बैठेंगे। इसके बाद 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन मनस कामना नाथ मंदिर के मुख्य द्वार के सामने आत्मदाह करेंगे, क्योंकि बाबा मनस कामना नाथ मंदिर में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण हम आत्मदाह, चूंकि मेरे पास अब कोई चारा नहीं है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और विशेष करके कि हमारे सीओ साहब से लेकर के अनुमंडल पदाधिकारी और धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष, ये तीनों मिलकर के सारे आदेश को आज तक जो है रद्दी के टोकरी में रखे हुए हैं। हम जाएं तो कहाँ जाएं, पीएम के यहाँ से जांच हुआ तो उस जांच को कमिश्नर इतना बढ़िया रिपोर्ट दिया कि एक सप्ताह में आप लाकर माने हमको जवाब दें, उसको भी दबा दिया गया। पीएमओ के यहाँ से लोक अदालत में सुनवाई हुआ, इस मैटर को भी दबा दिया गया। हमारे पास विकल्प नहीं था, इसलिए हम थक हार करके तारीख पर तारीख खाली में हमको मिलता है लेकिन कोई संतुष्टि नहीं मिलता है। इसलिए हमने 11/8 को माने धार्मिक न्यास में जा करके धरना कार्यक्रम रखे हैं पटना में, और 15 अगस्त को 11 बजे दिन में बाबा मंदिर के सामने हम आत्मदाह करेंगे। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन, उसी दिन आप, हाँ उसी दिन जी, क्या करेंगे सर, जब लास्ट सुनवाई हम रख माने हमारा हो या न हो, चूँकि आखिरी बहुत बार हाई कोर्ट का 3 माह हाई कोर्ट दिया था 3 माह में निर्णय लेने का आदेश है, बावजूद 3 महीना छूट कर आज 7वां महीना 8वां महीना जा रहा है। सर क्या मांग है आपका? हमारा मांग है कि उस पुरानी भ्रष्ट कमेटी को हटाया जाए, जिसे 1990 से एन केन प्रकरण, जबकि हमने 1996 में बाबा मनस्काना नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हमने करवाया है, हमारे रिजिम में हुआ, लेकिन बाबाई चोर दरवाजे से आकर के ये लोग जो है मंदिर पर अधिपत करता है। इसको मंदिर का विकास से मतलब नहीं है, विकास यहाँ की जनता करती है, और इसको सिर्फ ये मंदिर का चढ़ावा और तिजोरी का पैसा चाहिए। कौन कौन लोग? पूर्व कमेटी के लोग, उसमें मैं मुख्य रूप से बंटू, संजय कुमार झा,
बंटू बाबू और जाकर के रविंद्र भगत, ये इतने भ्रष्टाचार है कि यहाँ मंदिर का पैसा ही अपने घर पर ले जाके गिनते हैं, आम जनता को कोई मालूम नहीं। इसको लेके अभी तक आप किस किस अधिकार। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अस्पताल के बीएससी नर्सिंग के छात्र छात्राएं आज से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर स्ट्राइक पर चले गए हैं। इन लोगों का कहना है कि 10 अक्टूबर 2017 को बीएससी नर्सिंग कॉलेज की शुरुआत हुई थी, वहीं असुविधाओं का घोर अभाव है। ना तो पढ़ाने के लिए शिक्षक पर्याप्त मात्रा में है, वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल ज्यादातर नहीं आती है। पानी की समस्या के साथ साथ मेष नहीं है, वहीं पानी की समस्या भी लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन कॉलेज प्रशासन को कई बार शिकायत करने के बाद भी आज तक हालात नहीं बदले, जिसको लेकर आज ये छात्र छात्राएं हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं छात्र छात्राओं ने कॉलेज के बाहर कॉलेज प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं लोगों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। पानी तो हमारे कॉलेज में ना आता है ना आ रहा है, ना कॉलेज ना हॉस्टल में। फिर खाना की बात हुई, खाना भी क्लीननेस उतना नहीं रहता है। फिर लड़कों के लिए ना हॉस्टल है ना खाना का यहाँ पे सुविधा है। फिर उसके बाद आता है जैसे मतलब लाइब्रेरी, सारे कॉलेज में लाइब्रेरी होता है, पर ये कॉलेज में मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी हमारे यहाँ लाइब्रेरी नहीं है, जो कि बहुत नेसेसरी, मतलब हम लोग कितना सा बुक खरीदेंगे वो पॉसिबल है नहीं। उसके बाद हॉस्टल भी नहीं प्रोवाइड है, यहाँ पे टीचर्स की फैकल्टी की बहुत कमी है, मतलब बहुत, मतलब 2-3-4 टीचर है मुश्किल से, वही हम लोग को पढ़ाते हैं। और हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद हम लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, हम लोग एग्जाम कैसे देंगे। उसके बाद हम लोग को मतलब बाहर जाने का, पर वो तो ठीक है, हम लोग को वीक में एक बार निकलने को मिलता है बाहर। उसके बाद भी हम लोग से मतलब पूछा जाता है कि कहाँ जा रहे हो, हम लोग वार्ड मैम को कॉल करो हर कुछ में, बताओ उनको कहाँ जा रहे हैं, वही हम लोग के साथ दुर्व्यवहार होता है। मेरा नाम साक्षी श्री, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर बैच। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कितने देर में आएंगे, ये सारे कुछ हमको गार्ड पूछता है। आने फिर झोला चेक करता है क्या लेके आए, फिर या वार्डन में, वार्डन मैम भी उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही। परिवहन विभाग की मनमानी से परेशान ट्रक एसोसिएशन के लोग पहुँचे डीएम कार्यालय। भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जिलाधिकारी सुब्रत सेन को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें प्रवर्तन निरीक्षक एवं एमवीआई के द्वारा वाहनों की जांच के क्रम में लगभग 10 ट्रक को ओवरलोड के आरोप में पकड़ा गया है। एसोसिएशन का कहना है कि सभी ट्रक में एनटीपीसी का एस लोड था और सभी ट्रक में नियम के अनुसार ही लोडिंग की गयी थी, लेकिन उसके बावजूद भी बिना नाप तोल कराए ही सभी गाड़ियों को थानों में लगवा दिया गया और सभी से फाइन करने की बात की गई है, जिसको लेकर एसोसिएशन के द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मांग की गई है कि एनटीपीसी और परिवहन विभाग की मिलीभगत से एस लोड गाड़ी को ही पकड़ा गया है। वहीं लोगों ने मांग की है कि जिलाधिकारी स्वयं इसकी जाँच करा ले और अगर एसोसिएशन गलत हो तो एसोसिएशन पर भी कार्रवाई की जाए। आए दिन इस तरह परिवहन विभाग के द्वारा मनमानी की जाती है और ट्रक मालिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, अभी हम लोग डीएम साहब के पास आए हुए थे ज्ञापन देने के लिए कि 4 तारीख के रात में यहाँ से एमवीआई साहब और मोबाइल साहब जाते हैं कहलगांव, कहलगांव से पीरपैती के बीच में करीब 10 गाड़ी को इन्होंने फाइन किया है। 10 गाड़ी अभी जहाँ का तहाँ लगा हुआ है, उसमें हो सकता है एकाध गाड़ी इधर उधर गया हो, बाकी गाड़ी जीपीएस लगा हुआ है और सब में जो लोडिंग है वो प्रॉपर लोडिंग है, क्योंकि जो सप्लायर है वह गाड़ी मालिक से यह कह के गाड़ी लिया था 7100 रुपया फिक्स भाड़ा देंगे, अंडरलोड गाड़ी चलाएंगे, यह कह के हम लोग दे दिए। लेकिन गोरख धंधा तब हुआ जब गाड़ी पकड़ी गई तो उसमें से सुनते हैं इन लोगों को, एमबीआई साहब लोगों का कहना है कि हमको आपके गाड़ी में से 58 टन का काटा स्लिप मिला, हम उसी आधार पर गाड़ी पर फाइन किए थे। हम बोले सर क्या आप यह उचित नहीं समझे कि गाड़ी को हम काटा करा लें, क्या अगर आप काटा स्लिप पर ही फाइन करते हैं तो जब हम लोगों की गाड़ी प्रॉपर बालू लेकर के अंडर लोड चलती है तो आप काटा को दोबारा काटा क्यों कराते हैं, क्यों नहीं मानते हैं उसको। अब बोलिए तो हम अंडर लोड का सारा काटा स्लिप देते हैं, आप मानिए। तो यह बात यह था कि जिसका सप्लायर उसी का काटा है, काटा का नाम श्याम धर्म काटा है, जो NH80 पर तिरमोहान से लेकर पीरपैती यही कहलगांव के बीच में पकड़तल्ला पड़ता है वहीं है, इसके मालिक का नाम महेश संथालिया है। इन लोगों का गोरख धंधा यह है कि NTPC के छाए को NTPC के नज़र के सामने वहाँ से उठता 20 टन है
और कांटा भंजता है 40 टन का, 50 टन का, और यह पैसा आपस में बंदर बांट, चाहे वो एनटीपीसी के स्टाफ हो या एनएचआई के हो और चाहे सप्लायर हो, तीनों को मिल करके, नहीं तो इतना बड़ा गोरख धंधा कैसे हो रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारे जो गाड़ी है जिन पर ये फाइन किए हैं उसको आप कांटा कराइए, जितना मेरा वजन होता है उस पर आप फाइन कीजिए, उसमें जीपीएस लगा हुआ है, गाड़ी जहां फाइन हुई है वहीं गाड़ी खड़ी है। और एक बात, यह सिर्फ गाड़ी छाए वाले को ही अटैक क्यों किए? आप गए, आपका ड्यूटी है ओवरलोड को रोकना, तो बगल से बालू लोड, छर्री लोड, ओवरलोड गाड़ी जा रही है उसको टच नहीं किए, या किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में आके ऐसा किया हुआ कार्रवाई है, तो कार्रवाई भी कीजिए तो आप निष्पक्ष कीजिए। हम इसमें प्रशासन को भी मान रहे हैं, एनटीपीसी को भी मान रहे हैं, जो इनमें मिले हुए हैं सबको दोषी मान रहे हैं। सबसे बड़ा दोषी तो कांटा वाला है, जो सप्लायर के आड़ में अपने ही कांटा पे 20 टन को 49 टन बना रहा है, उसका खमजियाजा हम क्यों भोगेंगे या गाड़ी मालिक क्यों भोगेंगे? मेरा नाम शंभुराज है, बिहार उप प्रभारी है भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के। पे जिलाधिकारी महोदय से हम लोग का मिलने का मेन पर्पस अभी तत्काल का जो करंट जो है अभी तत्कालीन कारण है कि एनटीपीसी में जो एक ढंग से महाघोटाला का कार्य किया जा रहा है, हो रहा है, उसका हम लोग को सज़ा मिल गया है। ये हम लोग की गाड़ी टोटली अंडर लोड है, 10 गाड़ी पकड़ी गई है और उसको जाली कांटे के दिखा करके हम लोगों पे फाइन किया गया है, जो कि सरासर गलत है। हम लोग मांग करते हैं कि किसी भी स्वतंत्र से जांच टीम द्वारा उसका जांच कराया जाए, अगर हम दोषी हैं तो उस पर फाइन किया जाए, निर्दोष हैं तो दोष हम लोग को मुक्त किया जाए, और इस महाघोटाला में सम्मिलित एनटीपीसी के अधिकारी, एनएचआई के अधिकारी और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम लोग इसके लिए कितने का घोटाला है ये? अब ये तो घोटाला यहाँ तक कहा जा रहा है, ऑडिट हो जाएगा, घोटाला से बड़ा घोटाला, बड़ा घोटाला होगा। कहा जा रहा है कि मोटरसाइकिल ढोया है, अगर सही से किया जाए तो मोटरसाइकिल पर भी 50 टन छाई ढोवाया है। अभी कौन टेक्नोलॉजी है इंडिया का, ये तो पेटेंट कराने लायक है, इसको पेटेंट करा लेना है। शराब के नशे में नाली में लोटपोट हो रहा शराबी, शराबबंदी कानून की उड़ रही धज्जियां। बिहार में शराबबंदी है लेकिन लगातार हर जिलों से शराबबंदी की हकीकत सामने आती है। आज भागलपुर में शराबबंदी की पोल खोलने वाली तस्वीर सामने आई। दरअसल समाहरणालय से 100 मीटर की दूरी पर ही एक निजी मॉल के सामने घंटों नाले में शराबी पड़ा रहा, लेकिन पुलिस को जानकारी तक नहीं मिली। स्थानीय लोगों ने उसे बाहर किया लेकिन फिर वह नाले में गिर गया। घंटे भर बाद डाल 112 की टीम पहुंची। इसके बाद पत्रकारों की मदद से रिक्शा से उसे भेजा गया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लोग आक्रोशित दिखे। लोगों ने कहा कि बिहार में शराबबंदी नहीं है, हर जगह शराब मिल रहा है, यह भी शराब पीकर पड़ा हुआ है। ये कब से पड़ा? 4 घंटे से शराब पीके खुलता हुआ, शराब पीके पड़ा हुआ। आप लोग निकाले थे? हम लोग निकाला नाले से, नाले में पड़ा हुआ था 4 घंटे। तो क्या लगता है, दारू पिया हुआ? दारू पिया हुआ तो तभी तो गिरा हुआ पड़ा हुआ है। होश में ना है? होश में कुछ नहीं, 4 घंटे से पड़ा हुआ। जब आप निकाले कुछ बताया? कुछ नहीं बताया। शराब का मिलता बिहार में? जिंदाबाद नीतीश बाबू है, मिल रहा है पैसा भी, हम ला के देते हैं, गांजा दारू सब मिल रहा है। पुलिस करके दारू हम पकड़ रहे हैं, 15 अगस्त के बाद पूरा भारत आजाद कर दो, सभी जेल फटक सभी खोल दो, जो कि वाकई ही हुआ है। चोरी की गई दर्जनों मोबाइल को पुलिस ने किया बरामद, पीड़ित को किया गया सुपुर्द। भागलपुर पुलिस के द्वारा बड़ी कार्यवाही के तहत मोबाइल की रिकवरी की गई है, जिसमें चोरी चिनतई या लापता मोबाइल की बरामदगी हुई है। दरअसल भागलपुर के कई ऐसे इलाके हैं जहां से मोबाइल चोरी और चिनतई जैसी घटना होती रहती हैं, और पीड़ित पक्ष के द्वारा थाने में आवेदन देने के बावजूद उनकी शिकायत रहती थी कि मोबाइल की बरामदगी नहीं हुई है। इसी कड़ी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग सैकड़ों की संख्या में मोबाइल बरामद किया है। वहीं पूरे मामले को लेकर सीनियर एसपी आनंद कुमार ने बताया कि 55 से अधिक एंड्रॉइड मोबाइल की बरामदगी की गई है, जो चोरी और चिरतई जैसी मामलों में जिसके खिलाफ आवेदन अलग अलग थानों में दर्ज कराया गया था। उन्होंने बताया कि मोबाइल की कीमत लगभग 5 लाख रुपए है, जिसकी बरामदगी की गई है। साथ ही कहा कि पुलिस विशेष टेक्निकल टीम लगातार ऐसे मामलों की निगरानी करती है और चोरी व छिनतई जैसे मामलों में जब्त किए गए मोबाइल की रिकवरी करने के पश्चात संबंधित मालिकों को मालिकाना देखने के बाद मोबाइल सुपुर्द कर दिया गया है।
एसएसपी ने कहा कि बरामद की गई मोबाइल के टावर लोकेशन का पता करने के बाद पुलिस की विशेष टीम ने इसकी बरामद की जगह जगह जाकर की। उन्होंने कहा कि मोबाइल मालिकों को सूचना जारी करके पुलिस के द्वारा वापस कर दिया गया है। हालांकि इस पहल से आम जनता में काफी खुशी का माहौल है। वहीं पुलिस अन्य मोबाइलों की रिकवरी के लिए जुट गई है। उन्होंने कहा कि टेक्निकल टीम लगातार ऐसे मामलों को चिन्हित करके गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। आज मोबाइल की रिकवरी हुई है, कितने मोबाइल रिकवर किए गए हैं? देखिए, पुलिस मुख्यालय के द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत खोए हुए या लूटे हुए या चोरी हुए मोबाइल की रिकवरी करके उसके जो ओनर हैं उनको दिया जा रहा है। और इस क्रम में पूर्व में भी 100 के करीब मोबाइल फोन जब्त करके और उनके ओनर्स को लौटाया गया था, जिनकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए के आसपास थी। और आज 32 मोबाइल जिनकी कीमत 5,50,000 रुपये के करीब थी, उनके ओनर्स को बुला के और उनको वापस किया गया है। जिससे कि स्वाभाविक है कि अगर किसी का खोया हुआ सामान वापस मिलता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आती है और लोग काफ़ी खुश थे। बहुत लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि उनका जो मोबाइल लगभग 7 महीने 8 महीने 1-1 साल पहले का खोया हुआ मोबाइल उनको प्राप्त हुआ, काफ़ी खुश थे। और यह अभियान आगे भी हमारा लगातार जारी है। बड़ी उपलब्धि है सर पुलिस के द्वारा, जो संबंधित पदाधिकारी हैं क्या उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा? जी, ये हमारा जो DIU की टीम है उनके द्वारा ये लगातार कार्रवाई की जा रही है, तो उनके जो टीम के सदस्य हैं उनको भी पुरस्कृत किया जा रहा है। तो में अब तक के बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24x7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।